आपके साथ खड़े जिस प्रकार भी आपको मदद की जरूरत होगी ये पत्रकार भैया इसके साथ मारपीट हुई है एनडीटीवी से कमल शर्मा भाई नाम है कमल सैनी इसको यह अपराध प्रोग्राम में मारपीट की गई गुंडागर्दी की भी आदेश की ज्यादा से ज्यादा वो काटने वाले टेक्निकल दर्जा दूसरे कहां बच गए लेकिन शाम तक बचना कोई सा नहीं। उस मॉडल को कहते हैं महालनवीस मॉडल। महालनवीस एक सांकेतिक के प्रोफेसर थे और समाजवाद की बात करके कुछ चीजें आम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करो तो इस तरह का मॉडल इसको बढ़ाना क्या हुआ तो आप देखेंगे कि जब हम जवान हुए तब तक टेलीफोन 1% घरों में और अब कितने परसेंट लोगों के टेलीफोन है ये फर्क है। आप कितने लोगों पर गैस है और आप कितने तरह की कारें हैं हम सब बता नहीं सकते। तो इस देश को कंट्रोल बॉर्डर में रखने का प्रयास है तो 60-70 अमीरों की ही चपा करती थी कि ये देश में सबसे ज्यादा अमीर हैं टाटा बिरला डालमिया किस तरह का देश बनाकर चलने का प्रयास हुआ। निकलने सरकार के झूठ दो क्यों गुलाम नहीं करे इस धनखड़ से पूछ लियो तो जब आंदोलन करेगा था किसान आंदोलन करे आंदोलन जीवे बीजेपी आंदोलन करे आंदोलन करी अरे तो मुंह पर मास्क ले दिया जुबान नहीं अपनी काट सका सबके मुंह बंद कर दिए कोई सवाल साहब आए थे।
इंस्पेक्टर साहब चाबी दे दो इसकी। हमें सिर्फ आधा घंटा पहले पता लगा इसके प्रोग्राम का, और जे ये अपने बाप के है ना तुम्हारे तो 24 घंटे का टाइम दिया। ये तो दो दिन प्रोग्राम चलेगा तो क्या करेंगे? तो दो दिन कल फिर यही, कल इतनी तैयारी से आएंगे, ये तो हमें आधा घंटा पहले पता लगा। अभी हमें 24 घंटे का समय मिल जाता तो इनको बता देते कैसे प्रोग्राम होते हैं। अपने किसान साथियों की दाव देते हैं जो इतने छोटे टाइम में भी इतनी बड़ी संख्या में आए, और ये गुंडागर्दी बिल्कुल सहन नहीं होगी। और जिस प्रकार से ये दुम्ब का दबा के भागा, इनको शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। आप लोगों ने स्पष्ट कैमरों के सामने नंगा नाच देखा। हम शांति प्रिय प्रदर्शन कर रहे थे और आराम से फर्श के ऊपर बैठे थे। डीएसपी ने ऑर्डर दिया और उन्होंने जबरदस्ती हमें उठाया, लाते बाहें पकड़कर जबरदस्ती उन्होंने करी हमारे साथ। क्या यह तरीका पुलिस प्रशासन का है? क्या ये जमी गुलाम हो चुके? क्या देश गुलाम हो चुका है? जमी पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं ये लोग। क्या आज बीजेपी का ही सब कुछ रह गया? राकेश जी, जैसा कि आज पुलिस ने आपको धक्का मुक्की किया, जो भी किया है, इसके खिलाफ अगली रणनीति क्या रहेगी? पुलिस जो है हमेशा आज जो है केवल और केवल बीजेपी नेताओं की राखी के लिए रह गई है। देश में जो इन्होंने संविधान की कसम खाई थी उससे पुलिस के अधिकारी जो है पीछे हटते नजर आ रहे हैं। केवल जो है नेताओं की चौकीदारी में ही पुलिस रह गई है। देश की पुलिस जो है आम नागरिक के प्रति नहीं है, जो कि आम नागरिक की सेवादार पुलिस है वो नेताओं की रह गई है। गिरफ्तार नहीं इन्होंने किया और गिरफ्तारी हमारी नहीं हुई कोई भी। इन्होंने जो है धक्के से उठाकर हमारी लाते बाहें पकड़कर गला पकड़कर और जो है इन्होंने उठाया और जो एक जबरदस्ती इन्होंने हमारे साथ की वो निंदनीय है। और ऐसी जो पुलिस ने कार्रवाई, एक बस भी यहाँ से भर के गई है जिसमें अक्षय थीरा भी था। नहीं, बस कोई नहीं गया। रणनीति पूछ रहे थे भाई जी, रणनीति यही रहेगी, रणनीति यही रहेगी। जहाँ भी बीजेपी वाले कोई भी प्रोग्राम करेंगे उसका पुरजोर विरोध होगा, चाहे गोली मारे चाहे कहीं ले जाए। हम पुलिस के ऊपर हाथ नहीं उठाएंगे, जितना जितना मर्जी हमारे ऊपर जोर लगाए, हम जो है इसी तरह प्रदर्शन करेंगे, इसी तरह विरोध करेंगे।